क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने वनवास के बाद अपने राज्याभिषेक के लिए सिर्फ दो ही लोगों को अपने हाथों से लिखकर निमंत्रण पत्र भेजा था? एक थी माता शबरी और दूसरे थे निषाद राज। माता शबरी को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप निषाद राज के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में मोदी जी ने खुद 22 जनवरी को अपने भाषण में बोला था? रामायण के अयोध्या कांड के अनुसार निषाद राज निषादों यानी कि मछुआरों और नाविकों के राजा थे। उनका असल नाम गुहा था और वो रिंगवेरपुर में राज करते थे। जब भगवान राम अयोध्या से वनवास के लिए निकल रहे थे, तब उनके रास्ते में सरयू नदी आई। इसी नदी को पार करने के लिए निषाद राज ने भगवान राम की मदद की थी। लेकिन जब पहली बार भगवान राम की और निषाद राज की भेंट हुई, तब निषाद राज ने अपने हाथों से सबसे पहले भगवान श्री राम के पांव धोए और उसके बाद ही उन्हें अपनी नाव में बिठाया था। निषाद राज की इस भक्ति को देखकर खुद भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने वनवास की अपनी पहली रात निषाद राज के घर पे ही गुजारी थी। सबकी नैया पार कराने वाले भगवान श्री राम को अपनी नाव से सरयू पार कराने वाले इस निषाद राज के वंशजों से मिलने के लिए ही प्रधानमंत्री जी अयोध्या गए थे। जब भारत में राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था, उस दौरान इंडोनेशिया के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे। राम जन्मभूमि का बढ़ता विवाद और संघर्ष देख के उन्होंने तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा था कि मुझे तो लगा कि भारत में भगवान राम के लिए सबके दिलों में आदर होगा, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। इस पर वाजपेयी जी ने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा? तब इंडोनेशिया के मंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है, मगर वो आज भी भगवान राम को नहीं भूले हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राम ही उनके वंशज हैं। इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में हर साल एक महीने रामायण होती है, जिसे देखने के लिए सभी हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम लोग भी आते हैं। कुछ दिनों बाद जब वाजपेयी जी इंडोनेशिया पहुंचे, तो वहां पर रामायण का नाट्य चल रहा था, जिसे देखकर वाजपेयी जी ने वहां के विदेश मंत्री से पूछा कि ये क्या है। इस पर इंडोनेशिया के विदेश मंत्री बोले, ये रामायण चल रही है। भले ही हम मुस्लिम हैं, लेकिन हमारा और भगवान राम का संबंध तब का है जब हम मुस्लिम नहीं थे। इसलिए तो हर हिंदू को समझना चाहिए, और हम बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान के लिए भगवान राम कितने जरूरी है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दशकों पुराने राम जन्मभूमि विवाद से जुड़ा ये मशहूर नारा किसी साधु संत ने या नेता ने नहीं दिया है, बल्कि एक 22 साल के लड़के ने दिया था। कैसे हुआ? कुछ यूं कि 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद यानी कि आज के अयोध्या जिला कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया था, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय काफी नाराज हो गया था, क्योंकि इस फैसले के बाद राम लला की पूजा भी शुरू हो गई थी। इसी साल उज्जैन में बजरंग दल का एक शिविर चल रहा था, और उसी दौरान जब शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, तब एमकॉम की पढ़ाई कर रहे सत्यनारायण मोरे ने एक नारा बोला, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। देखते ही देखते वहां मौजूद भीड़ भी ये नारा बोलने लगी, और धीरे धीरे ये नारा पूरे भारत में फैल गया, और उसके बाद से ही ये नारा राम जन्मभूमि आंदोलन का मुख्य नारा बन गया। अपनी कार सेवा और इस मशहूर नारे के लिए सत्यनारायण मोरे जी को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है। क्या आप इस नारे के पीछे का इतिहास जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपने बचपन में ही आंखों की रोशनी गंवाने वाले राम भद्राचार्य जी की गवाही ने कैसे खोल दी राम जन्मभूमि पर फैसला सुनाने वाले जजों की आंखें, चलिए जानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई हो रही थी, तब एक मुस्लिम जज ने राम भद्राचार्य जी से वेदों पुराणों के आधार पर भगवान राम के जन्म स्थान के सबूत मांग लिए थे, जिसके बाद जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने वेद पुराणों से राम जन्म स्थान से जुड़े एक नहीं बल्कि 441 सबूत पेश कर दिए थे। इन सबूतों में ऋग्वेद की जामिनी संहिता का प्रमाण और अथर्व वेद के दशम कांड का प्रमाण काफी महत्वपूर्ण था। ता चक्रा नव द्वारा देवानां पुरयोध्या यस्याम हिरणमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत। राम भद्राचार्य जी की गवाही के बाद जब इन सभी प्रमाणों की ग्रंथों में जांच की गई, तो सुप्रीम कोर्ट जजों के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि सभी प्रमाण बिल्कुल सही थे। राम भद्राचार्य जी की इस एक गवाही की वजह से सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं का पलड़ा भारी हो गया था और फैसला राम लला के पक्ष में आ गया था। तो अपने इस ज्ञान के लिए राम भद्राचार्य जी को कोटि कोटि नमन करते हैं।